डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भी इसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, आज यानी 5 फरवरी 2020 को होने वाला एग्ज़ाम बायोलॉजी का क्लास 12वीं का, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि आप लोग जानिए आप लोग को एग्ज़ाम में सीधा सीधा इस वीडियो से 10 प्रश्न आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न बुझाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, इस वीडियो का सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को सीधा सीधा एग्जाम से टच करने वाला। तो देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? तो यहाँ पे जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डिम्ब, जो कि पहला का क हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। देखिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जान लीजिए, अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्त के पास या अन्य भाई बहनों के पास फटाफट पहुँचा दीजिए और शेयर कर दीजिए, यही आपसे विनती है। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रहा है, एक एक एलील है, एक एलील क्या है? तो जीनों का वैकल्पिक प्रकार है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी सी हो जाएगा, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में सी समझिए, ठीक है? दूसरा का आप लोग का ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही ये भी आ सकता है, ठीक है? आने वाला ही है, इसको याद कर लीजिएगा। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप लोग जान लीजिए, आहार जाल कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ग में दिया गया है। तीसरा का ग हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। कवक एवं उच्च कुल पौधों के जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइकोराइजा, यानी इसका आंसर ख हो जाएगा, जो कि चौथा का बी, यानी चौथा का बी कह सकते हैं या ख कह सकते हैं। पांचवा देखिए, जिमलियुस पाए जाते हैं, जिमलिस किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्पंज में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पांचवा का ए, और ये जान लीजिए, ये प्रश्न फिक्स है कि आने वाला है आप लोग के एग्जाम में, आज के एग्जाम में आ रहा है, तो इसको याद कर लीजिए, स्पंज में, ठीक है? छठवा देखिए, छठवा कह रहा है, अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीबिया के कैरियर है से शादी करता है तब क्या होगा? तो आप लोग जान लीजिए, 50% पुत्र हीमो फिलिया से ग्रसित होंगे, यानी रोगी होंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी छठवा का घ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ठीक है? सातवां देखिए, सातवां दिया गया आप लोगों का, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, शाकाहारी किसको? तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, ये 9वीं 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा, तो ये भी प्रश्न देगा आप लोगों ऐसे। तो इसको याद नहीं करना, ये सभी लोग जानते हैं होंगे। तो शाकाहारी प्राथमिक होता है और मांसाहारी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ होता है, ठीक है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, यानी सातवां का बी हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। आठवां देखिए, दिया गया है, इनमें कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? इन धान के खेत में उपयोग किसका किया जाता है? तो आप लोग जानिए, तो यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे कि किया जाता है साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी ग में दिया गया है, ठीक है? तो आठवां का सी हो जाएगा। यहाँ पर नवा देखिए, इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगामी पाया जाता है? क्लिस्टोगामी किस में क्या पाया जाता है? तो आप लोग जान लीजिए, कॉमेलिना में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, यानी नवा का सी, यानी ये जान लीजिए, ये प्रश्न भी आने वाला है, तो इसको याद करके जाइएगा, ठीक है? ये ध्यान से देख लीजिए, तभी आप लोग अच्छा कर पाएगा। और हाँ, अभी तक मैं कह रहा हूँ, अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको मज़ा आने वाला है। और हाँ, आप लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं तो आप लोग का आंसर शीट एक घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है, तो उसका आप लोग मिला सकते हैं, आपका कितना सही हुआ है कितना गलत। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके एग्ज़ाम के बाद मेरा वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा, मैं जल्द ही वीडियो लेकर आता हूँ इसलिए। और हाँ, 100% सही सही बताता हूँ, ये नहीं कि कोई गलत बता रहा हूँ, कोई सही नहीं, 100% सही वीडियो बताया, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, तभी आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए, दिया गया 10वां प्रश्न, 10वां कह रहा है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है तो क्या कहलाता है? तो ये जान लीजिए, ट्रांसपोजोन्स कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, जो कि बी हो जाएगा, 10वां का बी, ठीक है? 11 देखिए, 11 दिया गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, जैविक कारक कौन है? तो ये जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, जो कि घ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ये तीनों हैं, ठीक है? देखिए 12, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है? तो आप लोग जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है
दही में बदल देता है, यानी दही जमा देता है, यानी 12 का ख हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, 12 का बी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 13 देखिए, 13 कह रहा है लीची का खाने वाला भाग है, लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो आप लोग जान लीजिए एरिल खाते हैं, एरिल, जो कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आने वाला है, लीची खाने वाला, तो आप लोग जान लीजिए एरिल याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग एग्जाम में सही कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर दिया गया है आप लोगों को, 64 कोडाउन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं, तो आप लोग जान लीजिए 14 का आंसर हो जाएगा 61, 61, जो कि ये 2019 में आया था, जो कि ऑप्शन नंबर, मैंने ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, हर साल कह सकते हैं आता ही है, तो इसको याद कर लीजिएगा, जो कि 61 हो जाएगा, जो कि सी हो जाएगा 14 का। 15 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव के रूप में होता है, तो यहाँ पे जान लीजिए इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में होता है, यानी आप लोग 15 का ग हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर, बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो बैक्टीरिया की खोज आप लोग जानते ही होंगे कि हैं आप लोग को लीवेन हॉक ने, यानी जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा, बैक्टीरिया की खोज किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी, 18 16 का सी हो जाएगा। 17 देखिए, कौन सा कथन सत्य है, तो कथन कौन सत्य है, तो यही जान लीजिए आप लोगों का, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है, तो ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, और ये आने वाला भी, तो इसका आंसर क हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, 17 का, यानी तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। 18 देखिए, और हाँ इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में समझिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ, 100% गारंटी लेकर कि ये 10 प्रश्न आप लोग को सीधा सीधा टच करना है, करेगा ही करेगा आप लोग को एग्जाम में, तो इस वीडियो को जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी वीवीआई है, ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोगी कारण होता है, तो ये कहे थे आप लोगों को लैमार्क, लैमार्क जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 18 का ग हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 19 देखिए, थॉमस मल्थस के कारण कार्य है, यानी थॉमस मल्थस के कार्य क्या है, तो ये है आप लोगों को समष्टि संदर्भ, यानी कह सकते हैं पॉपुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क हो जाएगा, ठीक है, 19 का। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए हैं आप लोग का, शकरकंद या तथा आलू उदाहरण है विकास के आधार पर बताना है, तो किसका उदाहरण है, तो ये जान लीजिए शकरकंद और आलू जो है तुल्य रूपता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, 20 का। तो ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, ये भी आ सकता है आप लोग को एग्जाम में, बायोलॉजी के एग्जाम में आने वाला है, जो कि आज का आज ही होने वाला है पेपर, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, तुल्य रूपता जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 21 देखिए, SL मिलर थे, SL मिलर कौन थे, तो ये जान लीजिए आप लोगों को हो जाएगा अमेरिकन वैज्ञानिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा, अमेरिकन वैज्ञानिक, बहुत से लड़के जो हैं मार देते हैं, यूरोपियन नहीं, यूरोपियन नहीं हुआ, ये हो जाएगा अमेरिकन वैज्ञानिक थे, SL मिलर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको याद जोड़ के लिए, 21 का ग हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 22 देखिए, प्राकृतिक वरण यानी चुनाव कह सकते हैं, सिद्धांत किसने दिया, तो ये बहुत ही मतलब टॉप क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको याद जरूर करना होगा आप लोगों को, तभी आप लोगों को बुझाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को डार्विन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी ख में दिया गया, ठीक है। 23 देखिए, समजातीय संरचना वे हैं जिनके खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, तो जान लीजिए आप लोग, शरीर संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क हो जाएगा, तो 23 का ए, ठीक है। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर दिया गया है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो आप लोग बताना है, तो 24 का इसका आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मतलब हर साल लगभग लगभग आता ही आता है, तो ये 24 का आप लोग का ए हो जाएगा, यानी क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिए, तो 25 नंबर आप लोग को दिया है, कोकीन प्राप्त होता है, कोकीन कैसे प्राप्त होता है, तो आप लोग जान लीजिए यहाँ पे कोकीन प्राप्त करने के लिए इरिथ्रोजाइलोन कोका से, यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी घ हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का
यानी इसको याद रखना होगा आप लोगों को, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, तो 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर दिया गया है, अफीम के अत्यधिक के प्रयोग से होता है, अफीम का अगर अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग ने शरीर के वजन में कमी, तो हाँ ये भी होता है, भोजन में अरुचि यानी भोजन खाना मतलब पसंद नहीं करेंगे, बांझपन यानी पुत्र वंश नहीं हो सकता, इसलिए इनमें सभी, इसलिए 26 का डी हो जाएगा। 27 देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की, सक्रिय प्रतिरक्षा की किसने खोज की थी, तो ये तीनों में से कोई नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो यानी 27 का डी हो जाएगा, यानी घ हो जाएगा। 28 देखिए, दावा कितने प्रकार की होती है, दावा दो प्रकार की होती है, दावा दो प्रकार के, जो कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और आप लोग एग्जाम के बाद अपना आंसर शीट मिला के जाइएगा कितना सही हुआ कितना नहीं, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।